आम आदमी पार्टी ने मंगलवार को दिल्ली की सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। पार्टी ने जहां 46 मौजूदा विधायकों को इस बार टिकट दिया है, वहीं 15 मौजूदा विधायकों का टिकट काटा है। इसके अलावा पार्टी ने 8 महिलाओं को भी टिकट दिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अपनी पुरानी सीट नई दिल्ली और पटपड़गंज से ही चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में मंगलवार रात आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। पार्टी ने जहां 46 मौजूदा विधायकों को टिकट दिया है, वहीं 15 मौजूदा विधायकों का टिकट काट दिया गया है। इसके अलावा पार्टी ने पिछली बार 6 महिलाओं की तुलना में इस बार 8 महिलाओं को टिकट दिया है। उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने के बाद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सभी उम्मीदवारों को बधाई दी है। दिल्ली के चुनाव के लिए अभी आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई और उस बैठक में दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर संभावित उम्मीदवारों के बारे में चर्चा हुई और सभी 70 सीटों के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट अप्रूव कर दी है पॉलिटिकल अफेयर कमेटी ने। सभी 70 के नाम अभी आपको थोड़ी देर में जारी कर दिए जाएंगे। मैं बस उसकी बेसिक सूचना आपको दे देता हूँ कि इसमें 46 कैंडिडेट्स जो अभी सिटिंग MLAs हैं वो हैं, 9 पहले से खाली सीट्स थी उस पर नए कैंडिडेट्स हैं और 15 सिटिंग MLAs की रिप्लेस किया गया है। इसमें एक अच्छी बात यह है कि पिछली बार आम आदमी पार्टी से 6 महिलाओं को टिकट दिया गया था 2015 में, इस बार 8 महिलाओं को टिकट दिया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, मंत्री कैलाश गहलोत, सत्येंद्र जैन, राजेंद्र पाल गौतम समेत सभी मंत्री अपनी पुरानी सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा जिन 4 सीटों पर अभी बीजेपी का कब्जा है, वहां पार्टी ने नए चेहरे उतारे हैं। पार्टी ने मटिया महल सीट से 5 बार के विधायक रहे शुएब इकबाल को भी टिकट दिया है। वहीं अलका लांबा की सीट चांदनी चौक से प्रहलाद सिंह को टिकट मिला है। 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ चुके 3 उम्मीदवार आतिशी मार्लेना, दिलीप पांड्या और राघव चड्ढा को भी टिकट दिया गया है। साथ ही पार्टियों ने कई दल बदलुओं को भी टिकट दिया है, जिनमें कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद महाबल मिश्रा के बेटे विनय भी हैं। विनय को द्वारका से टिकट मिला है, जहां से पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पोते आदर्श शास्त्री अभी विधायक हैं। उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के बाद अब पार्टी पर टिकट बेचने जैसे गंभीर आरोप लग रहे हैं। दिल्ली के बदरपुर सीट से विधायक नारायण दत्त शर्मा ने पार्टी पर 21 करोड़ में टिकट बेचने का आरोप लगाया है। नहीं, परफॉर्म बेस पे लिए गए तो 8 तारीख को जो नतीजे हैं वो बता दिए जाएंगे। जो आदमी 94,000 वोट लेकर आया था, जिस आदमी ने हमेशा जनता के बीच में रहा है, आज आप विधायक के घर में बैठे हो, आपको लग रहा है ये कहीं से MLA का घर होगा? जिन लोगों को आपने टिकट देने की बात करी है, उनके पास नरेंद्र शर्मा से फालतू क्या था, सिर्फ पैसा ही तो था। जब 15 में चुनाव में जो अपनी जमानत नहीं बचा पाया, जिसको 16,000 वोट मिली थी और मुझे 94,000 वोट मिली थी, अगर परफेंस में के आधार पर अगर आम आदमी पार्टी जीत रही तो किसी कार्यकर्ता को टिकट दे देते। आपने धन के बल पर, क्योंकि मुझे मनीष सिसोदिया जी ने अपने घर पर बुला के बोला है कि आपके यहाँ से 20-21 करोड़ रुपया लेकर राम सिंह नेता टिकट चाह रहा है, आप पार्टी की फाइनेंशियली कितनी मदद करेंगे? मैंने कहा जी, जहाँ करोड़ों में बात हो रही है तो मैं तो सोच भी नहीं सकता। जो पार्टी ईमानदारी के नाम पर पैदा हुई है भाई, आज से 5-7 साल पहले आपकी भी कोई हस्ती नहीं थी। हाँ जी, आप भी एक थैला लटका के घूमते थे, पत्रकारिता करते थे मनीष जी, और मेरी भी कोई हस्ती नहीं थी। इस जनता ने बनाया है, जिन MLA इनको तुम कह रहे हो, वो ईमानदारी से कहां से लाके दे देगा पैसा? किसी ठेकेदार से मांगेगा, किसी भूमि कहीं ना कहीं से इकट्ठा करके बेईमानी करके देगा? मैंने कहा जी, मैं तो पैसा नहीं दे सकता। उन्होंने मेरे से 10 करोड़ रुपए की डिमांड करी थी, तो मैं उसी दिन उनसे मना करके आ गया था। और जब तक कोई टिकट विकेट डिक्लेयर नहीं हुई थी, उससे पहले ही मैंने अपना विरोध दर्ज कराना शुरू कर दिया था। 2015 में हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 70 में से 67 सीटें और बीजेपी ने 3 सीटें जीती थी। दिल्ली में 8 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे और नतीजे 11 फरवरी को आएंगे। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 जनवरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।